छठ पार्क में मौजूद है और यहाँ पर जो छठ पूजा समिति है उनके द्वारा यहाँ पर छठ की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इस समय शाम का समय और जो संध्या अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को वो यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है। छठ एक महापर्व माना जाता है, मुख्य रूप से ये बिहार में मनाया जाता है लेकिन देखते देखते ये विश्व पटल पर मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं और जो छठ का महापर्व है वो मना रहे हैं। चार दिवसीय ये महापर्व होता है और देखिए यहाँ पर जो प्रकृति से जुड़ाव से यह त्यौहार बहुत जुड़ा हुआ है। अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ कुछ लोगों से और जानेंगे कि छठ का क्या महत्व है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगी जो छठ का व्रत है उसके के बारे में, कितने दिवस के लिए होता है? इसके लिए चार दिन से होती है, जैसे एक दिन नहा खा होती है जो चावल खाते हैं, लौकी की सब्जी, दाल, उसके कल हो के पूरे दिन उपास रहते हैं, शाम को दही खाते हैं, रो खीर बनाते हैं, रोटी, और उसके कल हो के उपास रहते हैं पूरे 24 घंटा के लिए। और क्या सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं, क्या दिखाना चाहेंगे आपके डाल में क्या है? इसमें सारे फल हैं, देखिए केला है, सेब है, मतलब सारे जितनी फल होती है बाजारी में वो सारे फल है। तो आप देख सकते हैं जो छठी मैया का महापर्व है वो प्रकृति से भी बहुत जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो सूर्य भगवान को अर्पित किया जा रहा है सभी प्रकृति से आया हुआ है, चाहे फल की बात करें चाहे वो किसी भी चीज की बात करें, बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी तरीके से यहाँ मनाया जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे छठी मैया का जो पर्व है उसके बारे में, आप क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, क्या कहना? बहुत अच्छा व्यवस्था है, हम लोग हर साल करते हैं पछत, बहुत अच्छा व्यवस्था है। पहले बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता लेकिन अब धीरे धीरे बहुत लोग इसको अपना मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको देखते हैं? बहुत अच्छा की बात है, छठ पूजा हर इंडिया में होना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। तो देखिए छठ पूजा का आप यहाँ देख सकते हैं काफी लोग मना रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी छठ पूजा के बारे में, छठ पूजा कैसे मनाते हैं ये हमने ज्यादा लेकिन क्यों मनाते हैं ये क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? छठ पूजा इसलिए मनाए जाते हैं कि बच्चे के लिए ज्यादातर ये होते हैं और सबसे पावन ये छठ पूजा है इसलिए इसको माना जाते हैं। तो देखिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए और बच्चों के लिए खास तौर से ये छठी मैया का महापर्व मनाया जाता है। देखिए अभी हम ऐसे लोगों से भी बातचीत करेंगे जो इस पर्व को व्रत नहीं रखते लेकिन आते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी, देखिए हमने देखा है कि कुछ लोग यहाँ आप जैसे आ रखते हैं कि वो व्रत तो नहीं रखते लेकिन फिर भी देखने आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस व्रत के बारे में? मैं आंध्र प्रदेश की हूँ लेकिन मेरा फेवरेट फेस्टिवल है छठ पूजा, सूरज भगवान का हमेशा मैं आज का दिन फास्ट रखती हूँ, फास्ट रख के शाम को आती हूँ, ऐसे ही इन लोगों से मिल के इनको मतलब ये सब देख के कुछ अलौकिक आनंद मिलता है मुझे, ऐसे किसी फेस्टिवल में मुझे महसूस नहीं होता है, ये मेरा सौभाग्य मैं मानती हूँ। हमेशा आने को किसी कोई ना कोई दोस्त मिल ही जाते हैं छठ करने वाले, तो वहाँ आके मुझे देखने को भी मिलता है, फिर प्रसाद लेके जाते हैं तो लगता है फिर अगले साल तक का मैं इंतजार करती हूँ, बहुत खुशी होती है मुझे तो छठ पूजा का। तो देखिए लोग काफी छठ को जो अपना रहे हैं, आप देखेंगे अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि आगे लोग किस तरह से अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? रिंको। क्या कहना चाहेंगी जो छठ का महापर्व है किस तरह से आप मनाती हैं और आज आपने यहाँ मनाया किस तरीके से मनाया? बहुत अच्छा। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा। आपको कोई परेशानी हुई नहीं? नहीं। और आपके हाथ में गैस के बारे में कुछ बनाना चाहेंगी, क्या है? ये जोत है। जोत है, तो ये जोत कब जलाते हैं आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। ये अभी शाम जला फिर सुबह भी जलेंगे। तो अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, देखिए यहाँ छठ का महापर्व बहुत अच्छे से मनाया गया, व्यवस्था की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था तो बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, कोई चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी गांव में ही हैं और गांव का फीलिंग यहाँ पे भी आ रहा है, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो देखिए अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ प्रॉपर ऐसा फील दिया गया है कि यहाँ छठ का जैसे तालाब है, देखिए यहाँ एक स्विमिंग पूल था उसमें पानी भर के यहाँ पर देखिए पूजा के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए ताकि विभिन्न लोग आकर यहाँ पर पूजा अर्चना अपनी कर सके। और देखिए अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, आप देखिए काफ़ी लोग इस समय भी यहाँ, रात का समय है और फिर भी यहाँ पर अभी जो सूर्य भगवान है उनको संध्या अर्घ यहाँ पर देते आपको नज़र आएंगे। आपका नाम क्या है? संगीत। कहाँ से आई हैं आप?
गेटो ने बेटा व्रत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? छठी मैया का व्रत किस तरीके से आपने रखा है? छठी मैया का व्रत ये चौथा दिन नहा खाता है आदमी, पांचवा दिन खरना करता है, छठा दिन अर्घ देता है, सातवा दिन मांगता है, छठी मैया से जो देता है वो मांगा जाता है। और बस यही छठा पांचवा दिन हम लोग नहा खा करते हैं, खरना करते हैं, चौथा दिन नहा खा करते हैं, पाँचवा दिन खरना करते हैं, तो गुड़ का खीर बनता है, दूध गुड़ का खीर बनता है, सो केला रोटी चूल्हे पर मिट्टी के चूल्हे पर बनता है बस। अब आपके नाले में क्या है, क्या दिखाना चाहेंगे, मतलब किस तरह के फल आप? यही फल, सारे फल है, केला है, नींबू है, ऊख है, सारे चीज़ है यार। तो देख आप देख सकते हैं जो प्रकृति से जुड़ाव है छठ का, वो यहाँ आपको देखने का मिलेगा। सारी यहाँ को आपको प्रकृति से जो चीज़ें उगती हैं वो यहाँ पर भगवान को अर्पित की जाती है। आप देखिए जो छठ मैया का यहाँ महापर्व है ग्रेटर नोएडा के यहाँ छठ पार्क में मनाने के लिए काफ़ी लोग उमड़े हैं। शाम का समय, हालांकि अब धीरे धीरे लोग जाना भी अपने यहाँ शुरू हो चुके हैं आप देखिए, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग आप देखेंगे कि यहाँ पूजा अर्चना करते हुए नज़र आएंगे। और देखिए ये जो तालाब बना गया था स्पेशली, इसमें जो है ना यहाँ जो महिलाएँ थी उन्होंने यहाँ पर जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया, पूरे विधि विधान से अपनी पूजा की। हम देखिए हमारे साथ यहाँ फैमिली भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? नीतू श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगी छठ पूजा के बारे में, व्यवस्था कैसी लगी है? बहुत अच्छा लगा छठ पूजा। बच्चे भी यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगी छठ पूजा देख के कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम अनन्या श्रीवास्तव है। और क्या सीखा आपने यहाँ से छठ पूजा से? मम्मी बताएगा। अच्छा मम्मी बताएंगी। तो देखिए मैडम क्या कहना चाहेंगी छठ पूजा के बारे में? सब घर चले जाते हैं इनको मनाने के लिए, जहाँ भी कहीं हो रहा हो, और बहुत मज़ा आता है इसको मनाने में। तो देखिए यहाँ पर जो छठ पूजा सेवा समिति के द्वारा यहाँ छठ पूजा पार्क है, यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई थी। आप देखिए यहाँ पर जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद, संध्या अर्घ्य देने के बाद, धीरे धीरे लोग जो अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ की व्यवस्था की बात करें, आप देखिए कि लाइट की भी यहाँ प्रॉपर व्यवस्था की गई है, साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना पुलिस भी मौजूद है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। और आप मेरे वहाँ ठीक पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आज वर्ल्ड कप है, वहाँ पर जो स्क्रीनिंग भी स्पेशल लगाई हुई है मैच के लिए भी, यहाँ पर जो मैच देखने वाले हैं उनकी लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर छठ सेवा समिति द्वारा की गई है। पुलिस भी यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर मौजूद है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। और देखिए काफ़ी, और साथ ही बच्चों के लिए यहाँ खेलने और खाने पीने के सामान भी भरपूर है। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे थे 10।